हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट। तो हमने ये दो क्वेश्चंस देख लिए हैं, अब देखेंगे हम नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट। ठीक है, तो इन चार क्वेश्चंस में तो आपको ज़्यादा कुछ वेरिएशंस देखने को मिलेगा नहीं, ईजी है। इन ये वाले क्वेश्चंस है ना, इन तीनों में, इनमें हल्का सा ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो इनमें पता चलेगा आपको कि हाँ, वेरिएशंस अप्रोच अगर आती है तो आप कर सकते हो। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपने देख लिया, ये वाला क्वेश्चन है जो आपने देख लिया, अब देखते हैं हम नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट। तो हमारा क्वेश्चन है नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट या फिर नियरेस्ट स्मॉलर एलिमेंट, या एनएस तो नियरेस्ट स्मॉलर हो गया एलिमेंट। ठीक है, नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट या फिर नियरेस्ट स्मॉलर टू एलिमेंट। तो इस वाले क्वेश्चन के अप्रोच समझा देता हूँ पहले मैं, क्वेश्चन में है क्या। तो इस बार थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, एर दे रखा हमें 4, 5, 2, 10 and 8। नियरेस्ट स्मॉलर एलिमेंट के नाम से आपको ये मिल जाएगा गिग्स फॉर गिग्स पे या फिर कुछ और पे सॉल्यूशंस। ये देखो क्वेश्चन के नाम को, नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट, लेफ्ट में देखना हमें कौन सा छोटा है। ठीक, तो यहाँ से शुरू करते हैं। अगर 4 पे है तो 4 का लेफ्ट एरे देखते हैं, जो कि कुछ है ही नहीं, तो -1 रिटर्न कर देगा इधर। ठीक है, 5 के लेफ्ट वाला एरे देखा तो यहाँ पे छोटा क्या है, 4, तो 4 रिटर्न कर देगा आउटपुट में, स्मॉलर ही है। अब 2 पे देखा, 5 बड़ा है 2 से, तो ये नहीं होगा। 4 हमें तो स्मॉलर देखना है, 4 2 से बड़ा है, ये भी नहीं होगा, तो ये भी -1 रिटर्न कर देगा। 10 पे आए, 10 के लेफ्ट आ रहे 2, 4, 5 और 2, तो 2, ये सभी छोटे हैं, पर ये इसमें ये नहीं है कि ये ज़्यादा छोटे वाला बताना है, जो सबसे पास छोटा है वो बताना है। अगर 4 होता तो 4 रिटर्न होता, ये 2 है। ठीक है, 8, 10 तो है नहीं छोटा, इसके लेफ्ट में कौन कौन एरे के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, 10, 2, 5 and 4, 10 छोटा नहीं है, 2 छोटा है और सबसे पास है, तो 2। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आ गया, तो ये वाला इसका आउटपुट हो गया। ठीक है, अब देखिए 4, 5, 2, 10 and 8, अगर 10 पे है, रूट कोड लिखते हैं इसका। देखिए 4 int i = कहाँ से शुरू होगा, 0 से शुरू होके i < n तक जाएगा, और i++ j वाला लूप कहाँ तक चलेगा, int j = i+1 पे जाएगा, j वाला देखिए ये i-1। ठीक है, और j कहाँ तक जाएगा, 0 तक, मतलब i तक ही जाएगा ये, j > 0 और j++। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो j किस पे डिपेंडेंट है, i पे, तो इसका मतलब यहाँ पे स्टैक लगेगा। तो अब स्टैक के मेथड से देखते हैं, इसका स्टैक बनाए एंड 8, ये स्टैक बना लिया हमने। हमें क्या करना है, लेफ्ट में ट्रैवर्स करना है, इसके लिए ये होगा, इसके लिए ये होगा, और इसके लिए ये, और इसके लिए ये, और ये है नहीं उधर। तो हमारा एरे क्या है, 4, 5, 2, 10 and 8, एक स्टैक बना लेते हैं
और एक वेक्टर बना लेते हैं हम, ये वेक्टर। अब फोर से शुरू करते हैं, फोर का लेफ्ट अरे कुछ नहीं, एम्प्टी सेट स्टैक हमारा, तो -1 रिटर्न कर देगा, आउटपुट दे देगा। अब आगे बढ़े, फाइव पे गए, फाइव पे देखते हैं फाइव के लेफ्ट में क्या है, स्टैक में फोर है, फोर है तो क्या करेगा, फोर है तो ये छोटा है फाइव से, फोर वाला, तो ये स्टैक का जो टॉप है वो रिटर्न कर देगा हमारे पास, ठीक है। फोर टू, टू के लिए क्या क्या आ गया इसके अंदर, फाइव, तो ये स्मॉलर नहीं है टू से, फाइव तो बड़ा है, तो ये पॉप हो गया, ये वाला भी पॉप हो गया क्योंकि ये भी बड़ा है, तो इधर भी -1 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये टेन वाला, टेन वाले के लिए देखा तो इसके अंदर टू और आ गया, ये अभी नीचे है पॉप हुए नहीं है, इस टेन वाले के लिए टू फाइव और फोर है अदर, तो टेन वाला क्या है, स्टैक का टॉप रिटर्न कर देगा क्योंकि ये छोटा है टू। एट वाले के लिए क्या क्या आ गया अंदर, टेन टू फाइव एंड फोर, अगर एट पे है तो, एट पे है तो क्या क्या आ गया, टेन टू फाइव फोर हो गया स्टैक के अंदर, तो टेन बड़ा है एट से तो ये पॉप हो गया, फिर टू, टू छोटा है तो ये वाला आ गया इधर ही, टू छोटा है तो टू रिटर्न करवा देगा आउटपुट के अंदर, तो ये हमारा एक वेक्टर बन के तैयार हो गया। तो ये वाला सोल्यूशन और ये वाला सोल्यूशन दोनों सेम है, तो चेंजेस क्या है हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम के साथ अगर हम मैच करें चेंजेस तो क्या क्या आए। पहला चेंज, एक तो वही, इसमें क्या करेंगे हम, राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, राइट टू लेफ्ट। दूसरा चेंज क्या आया, वही रिवर्स नहीं करवाना पड़ेगा, वेक्टर को रिवर्स नहीं करवाना पड़ा, देखिए ये वाला रिवर्स नहीं करवाना पड़ा ना, सेम टू सेम एग्जैक्ट वही आ गया हमारा। और एक और चेंज देखिए इसके अंदर आप, उसमें तो हम ग्रेटर चूज़ कर रहे थे, इसमें हम स्मॉलर चूज़ करेंगे, चूज स्मॉलर, ठीक है। अब देखिए कोड के अंदर क्या क्या वेरिएशन आएगा, वो चीज़ें दिखाता हूँ मैं, कोड के अंदर क्या क्या वेरिएशन आएगा। तो ये देखिए हमारा पिछले वाले क्वेश्चन का कोड है, ये इसमें ही चेंजेस कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। तो हमें राइट टू लेफ्ट ही ट्रैवर्स करना है तो ये वाला रख लेंगे हम, रिवर्स नहीं करना तो ये वाला भी रख लेंगे सेकंड पार्ट पॉइंट, और तीसरा स्मॉलर चूज़ करना है हमें, तो ये देखिए स्मॉलर चूज़ करना है तो हमें काका चेंज करने पड़ेंगे, ये देखिए ग्रेटर है तो इसके लिए इसकी जगह स्मॉलर कर दीजिए, ठीक है, स्मॉल चूज़ करेगा, और ये वाला अभी ग्रेटर चूज़ कर रहे तो इसको भी स्मॉल चूज़ करवाना पड़ेगा, ठीक है। और ये वाला भी स्मॉल चूज़ कर ही रहा है, तो ये तीनों चेंज करके हम, ये तीन चेंज करके, और ये वाले पॉइंट्स तो पहले वाले क्वेश्चन में चेंज कर दिए थे हमने, बस इतना सा चेंज करने पे हमें हमारा वाला सोल्यूशन दिखाई दे जाएगा। हमें चेंजेस क्या क्या करने थे, हमें पहला चेंज तो राइट टू लेफ्ट, टू लेफ्ट ये चेंज कर दिया, दूसरा चेंज हमें करना था रिवर्स नहीं करना इसके अंदर, तो रिवर्स वाला भी कर दिया हमने, ये वाला नहीं है, ये है वेक्टर को रिवर्स करने वाला, ठीक है, ये इधर वाला ये तो रहेगा साथ में। थर्ड चूज स्मॉलर, स्मॉलर चूज करना था, ये जो लार्जर थे, ये देखिए जो लार्जर वाले थे ये स्मॉल कर दिया हमने, इसको करके स्मॉल लेस देन इक्वल टू, ठीक है। बस ये तीनों चेंज करने के बाद आपका कन्वीनियंट सोल्यूशन आ जाएगा। अगर वीडियो में कोई भी पार्ट आपको समझ में नहीं आया होगा तो डाउट के ज़रिए पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि कैसे नियरेस्ट लार्जर टू लेफ्ट, नियरेस्ट लार्जर टू राइट देख चुके हैं हम, नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट देख चुके हैं, अब नियरेस्ट स्मॉलर टू राइट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, थैंक यू।